मैं भी कनाडा में रहा हूँ, मैंने MBA की है वहाँ से, ठीक है। मेरे को लगभग खालिस्तानियों ने वहाँ ख़त्म कर दिया था, क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात पे मैंने तिरंगा उठा लिया था। हाँ जी, रैली चल रही थी और नीचे तिरंगा गिरा हुआ था, मेरे से देखा नहीं गया, तो वहाँ सब सरदार थे सब, तो भाई मैं तो ना किसी से डरता हूँ, जीना मरना महाकाल के हाथ में है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ वो तिरंगा उठाया ही था और वो सरदार मेरे पे टूट पड़े। लेकिन अब मैं थोड़ा सा मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट वगैरह हूँ, 5-6 ने मुझे पकड़ लिया था, मैंने 1-2 के रख दिए। हाँ, तो रख दिए थे मैंने किसी तरीके से, मैं क्यों, वो बहुत सारे थे, मैं कितनों से लड़ता, और फिर आपको पता है वो हथियार लेके भी चलते हैं, तो मैं फिर किसी तरीके से वहाँ भागा तो वो मुझे पकड़ नहीं पाए और मैं निकल गया। 10-12 साल पुरानी बात है, तो मैं वहाँ से निकल गया और फिर मैं अपनी टिकट करा के फटाफट देश वापस आ गया, क्योंकि मुझे लगा मैं वहाँ रहूँगा तो मेरे को मरवा देंगे। आप मुझे बताइए, वही अगर पहले तो उनको खालिस्तानी नहीं बोलना चाहिए, मैं बार बार आपके माध्यम से कह रहा हूँ, उनको कैनेडियन अमेरिकन टेररिस्ट बोलना चाहिए, क्योंकि खालिस्तान की धरातल पर है नहीं। तो जो पन्नू है वो अमेरिकन टेररिस्ट है, और जो निजर है जिसको अभी कहते हैं, ऐसा मुझे नहीं पता, आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं पत्रकार महोदय, कि लॉरेंस बिश्नोई ने उसको मरवाया है, कैनेडियन टेररिस्ट को। तो मुझे बताइए, जो देश की, देश को बांटने की बात करता है, पंजाब को देश से अलग करने की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने की बात करते हैं, अगर उसको लॉरेंस बिश्नोई अगर मरवा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? कनाडा, यूएस और इजराइल में एक पॉलिसी है, मुझे नहीं पता भारत में ऐसा है कि नहीं अपने देश में, अगर आप कोई वहां क्राइम करते हैं, ठीक है, लेकिन आपका कोई साथी, आपकी गैंग का या आप खुद देश इजराइल के खिलाफ, यूएस कनाडा के खिलाफ उसको जो गतिविधियां कर रहा है उसको मरवा देते हैं, तो आपकी सारे क्राइम की सजा वो माफ कर देते हैं और आपको हाई सिविलियन अवार्ड से भी नवाजते हैं। वहां पॉलिसी है, देश से बड़ा ना कोई धर्म होता है ना कुछ होता है, देश से ऊपर कुछ नहीं होता है पत्रकार महोदय। इसीलिए मैं कहता हूं, यह भारत में ही ऐसा है कि वो बेचारा देश के दुश्मनों को मरवा रहा है और अभी भी जेल में है और उस पर कोई केस साबित भी नहीं हुआ है, तो वो जेल में, लेकिन भाईजान बाहर घूम रहा है। भाईजान कहाँ है, ऐश्वर्या कहाँ, कैटरीना दारू पीता है, वो अपने आप को मुसलमान बताता है। मैं आपके माध्यम से अपने मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आपके धर्म में तो शराब हराम है ना, सब जैसे हमारे सनातन में बहुत सारे पाप है, गौ हत्या बड़ा पाप है, स्त्री की हत्या महापाप है, वैसे शराब पीना आप महापाप, तो वो तो खुलेआम बोलता है मैं शराब पीता हूँ, तो वो काहे का मुसलमान है? आप मुझे बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूँ। देखिए, सलमान खान कौन है मुझे आप बताइए पत्रकार महोदय, कौन है वो, उसकी क्या वैल्यू क्या है उसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो, महात्मा गांधी है, वीर सावरकर है, कौन है वो? उसने देश के लिए कोई लड़ाई लड़ी है? क्या किया उसने? कभी आपने उसको कभी खालिस्तान के खिलाफ बोलते देखा? कभी उसने बंगाल में जो हो रहा है कभी उसके खिलाफ बोलते उसको देखा? कश्मीरी पंडितों को 40 साल हो गए अपने घर से, जमीन से बेदखल हुए हुए। मैं अगर आपकी पत्रकार महोदय आपकी जमीन लूट लूं, उस पर कब्जा कर लूं, आपका मकान छीन लूं, आपकी बहन बेटी से आप कोई दुष्कर्म करूं, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? मैं आपसे पूछता हूं, जो कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ, इवन मैं सिर्फ पंडित ही नहीं तो उसमें और भी समाज के लोग थे, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है, कभी आपने सलमान खान को देखा उस पर बोलते हुए? तो सलमान खान की क्या बात का वैल्यू है? सिर्फ वो कि वो नचनिया है, भांड है, जो कैमरे पे नाचता है, सुपरस्टार है। कौन सा सुपरस्टार है? हमारे लिए सुपरस्टार हमारे महादेव है, श्री राम है, नारायण है, ये हमारे सुपरस्टार है। हमारा कोई सलमान, शाहरुख, आमिर हमारे लिए कोई सुपरस्टार नहीं है। मेरे लिए सुपरस्टार वीर सावरकर है, मेरे लिए सुपरस्टार नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, जो 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी चढ़ गए, वो मेरे सुपरस्टार है। और मेरे छोटे भाई बहन जो है देश के, भारत के, वो मेरे को देख लें और सुन लें, आपके जो सुपरस्टार होने चाहिए भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ये होने चाहिए, ना कि सलमान खान, आमिर खान और ये शाहरुख खान नचनिए भांड होने चाहिए। लोगों को कैरियर बना सलमान खान ने, बहुत से लोगों की मदद की। मैंने तो नहीं देखा, किसकी मदद की उसने? मेरी मदद कर दे, मुझे बना दे स्टार, लाइए, मैं कहता हूँ आपके माध्यम से, मैं भी तो अच्छा खासा दिखने में ठीक हूँ, लाइए मुझे सलमान खान बना दे, बनाएगा? बिग बॉस जैसे शो की क्या जरूरत है? अगर मेरे पीछे खान लगा होता ना तो मुझे बना देता, लेकिन खान नहीं है ना, सनातन ही है, कहाँ बनाएगा? बिग बॉस जैसे शो की क्या जरूरत है? कौन सा ज्ञान बट रहा है बिग बॉस जैसे शो की, मुझे आप बताइए पत्रकार महोदय, क्या मिल रहा है उससे? एक लड़की लड़के से लड़ रही है, जनता तो देख रही है ना, जनता तो देख रही है, हिट कर रही है, जनता तो कुछ भी देखती है, जनता तो पोर्न भी देखती है, आप खुलेआम पोर्न दिखा दीजिए, फिर खुला कर दीजिए ना पोर्न,
देश में आप पोर्न खुला कर दीजिए, फिर पोर्न पे बैन क्यों है? फिर ये जो जो वेश्याएं होती हैं उन पे बिचारियों पे बैन क्यों है? धमकी देना कहां तक सही माने, क्योंकि कोर्ट है, मुकदमा चला उसके किस पे? सलमान खान पे। भैया ऐसा करते हैं, आप ब्लैक बक मारते हैं तो आपको 3 दिन की जेल, आप रास्ते पे 5 लोगों को उड़ा देते हैं, मार देते हैं जान से और फिर भाग भी जाते हैं तो आपको 6 दिन की। भाई मुझे भी सरकार ऐसी सहूलियत दे देना, मैं भी तो वो भी भारत का नागरिक है, मैं भी अभी 2-4 लोगों को उड़ा देता हूँ, मुझे भी 6 दिन की दे दे, मैं ठीक हूँ उसमें, लेकिन 6 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना मैं सलमान पे केस ठोक दूंगा। सिर्फ इसलिए कि वो बांड है और वो वहाँ नाच रहा है कैमरे के आगे और उसके ऊपर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स पे मार कुटाई का, उनके पेरेंट्स पे मार कुटाई का इल्जाम है। बताइए उस बंदे पे कौन सा केस नहीं है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहा और वो भाई है और वो इंजेक्शन लगी हुई बॉडी है। करवा दीजिए उसकी और मेरी रेसलिंग करवा दीजिए, देखते हैं कौन जीतता है। मुझे आप एक बताइए, लॉरेंस बेचारा 10-12 सालों से जेल में है, जब वो उसके पुराने वीडियोस में देखता हूँ मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि वो क्रिमिनल है। नेता की बात करता है, गरीबों को मदद करने की बात करता है, अगर लॉरेंस को आपने 10-12 साल से जेल में रखा हुआ है उसके ऊपर तो बेचारे पे कोई ये साबित भी नहीं हुआ कि कोई चीज़ की भाई इसने ये काम किया है। उसको पूछते हैं, आपने एक चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया था जेल से, आपने भी वो देखा होगा, सब देश की जनता ने वो देखा, मैं उसका चैनल का नाम नहीं ले सकता, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, लॉरेंस ने लगातार ये बोला है कि मेरे पे कोई केस साबित नहीं हुआ है, मैंने किसी को नहीं मारा, हाँ मेरे किसी साथी ने मारा होगा, मैंने नहीं मारा अपने आप को। तो जब उस व्यक्ति ने कोई मर्डर नहीं किया, कोई देश का कानून नहीं तोड़ा, कोई चोरी नहीं की, किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटी, किसी का ब्लैक बक नहीं मारा, किसी पे गाड़ियां नहीं चढ़ाई, वो जेल में है बेचारा, और जिसके ऊपर इतने सारे केस हैं, भाई जान नकली बॉडी इंजेक्शन लगी हुई, वो बंदा बाहर घूम रहा, वो 60 साल का अपने आप को युवा बताता, वही पप्पू, अगर ये युवा है ना तो मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूं अभी। अगर देखिए मैं फिर कहता हूं कि देखिए अभी बाबा सिद्दीकी को गोली मरवाई गई है, वैसे तो लॉरेंस ने मना कर दिया कि मैंने नहीं मारी, मैं उसमें उसके हक में नहीं हूं कि कोई किसी को गोली मारे या मृत्यु उसकी कर दे, मर्डर कर दे, मैं उसके हक में नहीं हूं पत्रकार मोदी, लेकिन मैं फिर साथ में ये भी कहता हूं कि ये कलयुग है, इसमें अगर मैं आपके साथ कुछ गलत करता हूं ना तो आप ही मुझे उसकी बाद में सजा देंगे, ये कर्मों का सजा यहीं भुगतनी पड़ती है इसी कलयुग में, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कह के गए हैं कि जब मेरा कल्कि का अवतार होगा तो मैं तो बाद में सजा दूंगा, पहले जिसके खिलाफ आप गलत कार्य करोगे वही आपको सजा दे देगा, ये कर्म से कोई नहीं बच सकता, आप मैं हम सब कोई नहीं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि लॉरेंस को अगर कोई केस, बार बार मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कोई साबित नहीं हुआ है, तो अगर उसको पार्टी ने उन्होंने उसको कुछ सोच के उसको बोला होगा, और वो देश के खिलाफ जिनको अगर वो मरवा रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से और माननीय योगी आदित्यनाथ से कर्मठ मेरी सर झुका के विनम्र प्रार्थना है आपके माध्यम से कि उसको छोड़ दिया जाए, अगर वो ऐसा कर रहा है उसकी सजा माफ कर दी जाए और उसको भारत रत्न से भी नवाजा जाए। भारत रत्न एक गैंगस्टर के लिए, भारत रत्न, फिर आप बोल रहे हैं गैंगस्टर, आप उसको क्यों गैंगस्टर बोल रहे हैं? गैंगस्टर नहीं, जब उसमें कोई केस साबित नहीं हुआ है पत्रकार महोदय तो आप उसको गैंगस्टर क्यों कह रहे हैं? मैंने तो सलमान खान को गैंगस्टर नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा ना, लेकिन आप लॉरेंस को बार बार गैंगस्टर क्यों कह रहे हैं जब उसमें कोई केस साबित नहीं हुआ है? मुझे आप ये बताइए, सलमान खान बड़ी बड़ी बातें करता है, उसने कभी दाऊद के खिलाफ कुछ बोला है क्या? कोई उसने बयान दाऊद के खिलाफ दिया है? जिसने 93 के ब्लास्ट किए, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को मरवा दिया, जो देश से भागा हुआ कराची में छुपा हुआ एक अपने आप को शेर बताता और बागड़ बिल्ले की तरह छुपा हुआ है गुफा में, मुझे बताइए उस दाऊद के खिलाफ सलमान खान ने कोई बयान दिया आज तक? इससे क्या साबित होता है? लॉरेंस कोई मेरी फूफा का बेटा नहीं है, ठीक है, कि मेरे को उसकी सारी कुंडली पता हो, क्षमा कर दिया लॉरेंस भाई कि मेरे से नाराज हो जाए आप, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उसके समर्थन में नहीं हूं लॉरेंस के, लेकिन मैं जब आपने सलमान से उसका कंपैरिजन किया तो मुझे तो लॉरेंस देवता लगता है और वो राक्षस लगता है सलमान, अगर कंपैरिजन किया जाए तो। मुझे आप एक बात बताइए, आप इतना सलमान कर रहे हैं, आप एक पक्ष का साइड ले रहे हैं या आप गलत बात है पत्रकार महोदय? आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, आप सलमान इतनी, सलीम खान कह रहे हैं कि भाई कॉकरोच भी नहीं मारा तो माफी किस चीज की मांगे? कौन है सलीम खान? सलमान के पिता, वो शादियां करने वाला व्यक्ति, वो बोलता है मेरे को सलमा से बड़ा प्यार है, उसने सलमा का, वो राजपूत ही हिंदू सलमान की माँ, उसका मुसलमान बना दिया उसको और उसका नाम सलमा कर दिया, तू उससे प्यार करता था ना, तूने अपना धर्म क्यों नहीं बदला? भाई तू प्यार करता है, तू अपना, तू हिंदू बन जा,
लेकिन तू मुसलमान ही रहा और बड़ी शान से तू बार बार कहता हम पठान है फलाना ढींगना और उसको नाम चेंज किया, उसको मुसलमान बनाया। तूने अपने तीनों बेटों का नाम मुसलमान रखे हैं खान पीछे, तूने हिंदू नाम क्यों नहीं रखा एक आधे बेटे का? भाई तुम तो गंगा जमुनी तहजीब में बिलीव करते हो ना, तो ये हर बार का ठेका हिंदू ही सनातनी क्यों सर पे लेके डोलता रहे गंगा जमुनी तहजीब? पहले तो मुझे समझ नहीं आता है गंगा जमुनी तहजीब है क्या। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, केजरीवाल जी की नहीं है, हमारी है। ठीक है, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सलीम खान का आपने नाम की लिया, सलीम खान ने देश के लिए क्या किया है? आज कोई भी इस खान परिवार ने देश को क्या दिया है मुझे आप बताइए ना। कोई इन्होंने गोली खाई है, कोई लड़े हो, कोई इनसे इनके परिवार से कोई फौज में रहा हो, कोई इन्होंने देश के लिए कोई कुर्बानी दी हो? दो बार उसने शादी की है, दो बार उसने गैर मुसलमान औरतों से शादी की सलीम खान ने। इसके अरबाज खान ने दो बार शादियां की है, दो बार उसकी वो पत्नियां गैर मुसलमान। सोहेल खान है सबसे छोटा वाला, उसने भी दो बार हिंदू लड़कियों से शादी की है और फिर उनको डिवोर्स भी हो गए, उनके अरबाज के भी इसके इनके डिवोर्स भी हो गए। आप मुझे बताइए इनका कैरेक्टर देखिए आप इन लोगों का, तो आप मुझे ये बताइए। और जो एक ये बहन बताते हैं हिंदू से शादी की है, सलमान का जो जीजा हिंदू है, वो एक भिखारन उन्होंने रस्ते से वो लड़की पता नहीं उसको कुछ उठा के पड़वाड़ा दिखाने के लिए, वो सब फ्रॉड और वो सब अर्पिता क्या नाम है उसका, वो दिखाने के लिए कि हम इसको आज वो कहाँ है। सलमान खान तो बड़ा बहुत बड़ा सुपरस्टार है ना, गणेश पूजा भी करते हैं यार, ऐसा करते हैं सलमान खान गणेश पूजा करता है उसके बाद देश के खिलाफ कार्य करता है। मैं भी मस्जिद में चला जाता हूँ साल में एक बार नमाज पढ़ने और फिर मैं भी देश के खिलाफ गतिविधियां करता हूँ। क्या मुझे आजादी है? भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, कानून से। तो जब मुझे आजादी नहीं है, आपको आजादी नहीं है, छोटे भाई को आजादी नहीं है, तो सलमान खान को क्यों आजादी है क्राइम करने की?